much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई क्या हाल है सबके। देखो सबसे पहला चीज यार तुम लोग को कर देते हैं पहला कि भाई वीडियो पसंद आता है तो यार सबसे पहला चीज़ है लाइक जरूर करना। मेरा वॉइसिंग मेरा एडिटिंग या तुम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखो तो सबसे पहले जा कर के चैनल में वो वाला देख लेना। और ऐसे भी वीडियो में बने रहो। तो चलो गेम को स्टार्ट करते। सबसे पहला चीज़ भाई कि अपना पार्टी, हम पिछले एपिसोड में तुम लोग को कहे थे ना कि भाई हम एक वाटर पॉइजन पोकेमॉन कैच करना चाहते हैं, तुम कैच कर लिए। और हाँ वीडियो का स्पीड थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बन गया है क्योंकि भाई हम जब इसको रिकॉर्ड किए थे ना तो हम स्लो पिच पे इसको रिकॉर्ड किए थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं क्योंकि भाई हमको स्लो पिच वाला गेम ना थोड़ा सा ये लगता है कि भाई तुम लोग से इंटरेक्ट करने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो, तो फास्ट पिच में रहेगा, तुम लोग को भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलो भाई हमको ये वाला पोकेमॉन जो कैच किया तुम लोग देख सकते हो, ये जेम्स की फेवरेट है और इसका हम निकनेम देने का सोच रहे थे लेकिन भाई हम फिर सोचे कि नहीं अभी के लिए रहने दो। और ये एक हमको मिला था पहले ही तो हम इसको हैच नहीं किए थे, तो चलो अभी हम लोग हैच कर लेंगे। और हाँ देखो हम यहाँ पे सोलारिस सिटी में आ गए थे क्योंकि भाई वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, वहाँ से यहाँ आने का फिर दिक्कत, तो इससे अच्छा सीधा यहीं आए रूट 4 में चलते। तो चलो सबसे पहला चीज़ भाई कि इस बंदे से अब हम लोग को बैटल होएगा। ऐसे अपना पहला बैटल है तो हम चाहेंगे कि हम लोग जीते। और थंबनेल देख कर क्या है भाई कि रूट 4, 5, 6 को कवर कर रहे, तो हाँ रूट 4, 5, 6 को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जितने ट्रेनर्स उन लोग से बैटल कर रहे हैं। और भाई इसके पास है सैलेजार। और देखो इसका निकनेम मेरे तरफ से क्योंकि भाई कैप्टन जैक स्पैरो में जो था तो उसका निकनेम तो था ही भाई सैलेजार, इसलिए हम इसको दे दिए ये वाला नेम। और ये मेरे को खुद पॉइजन कर दें तुम लोग से बात के चक्कर में। चल कोई ना, हम इसको साइको शॉक से हरा देते हैं क्योंकि भाई ये फायर पॉइजन होता है जो कि सही टाइपिंग है। और इसको हराएं और ये चला गया ठीक है। और मेरा पोकेमॉन पॉइजन तो हम हील्ड होके भी आ गए क्योंकि भाई हम बिना पॉइजन वाले पोकेमॉन्स के साथ तो भाई ट्रैवल करना थोड़ा सा ये हो सकता है बैटल में रुकावट। चलो यहाँ हाइपर पोशन मिला और एक और बैटल देख ही सकते हो, आज बहुत ज़्यादा बैटल होएगा रूकी स्ट्रेनर से। और इसके पास है प्यूमा क्यूम पम क्यूमा कूम कुछ करके इसका नेम है भाई, बहुत भयंकर नेम है, इसलिए यार ये वाटर टाइप पोकेमॉन है। अपना डेलफॉक्स तो इसलिए लिया क्योंकि भाई इसके पास थंडर पंच है जो कि काफ़ी सही डैमेज दिया अभी। ये कौन सा अटैक किया था भाई, ग्लास्टो एसिड। चलो मेरे कम से कम थंडर पंच से उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा, मेरे को इसका ग्लास्टो एसिड से भी डैमेज पड़ा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ टोटेरा, एक मिनट यार कौन आ गया, ओह डकलेट देखा जाए तो भाई डकलेट एक अच्छा पोकेमॉन होता है, वाटर फ्लाइंग और ये स्वाना भी इवॉल्व होकर बन जाती है। और ये बंदा है हीलियो। और हाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए तुम लोग को, तुम लोग में से एक बंदा हमको कमेंट किया था कि भाई इसका इंग्लिश वर्जन भी है उसको डाउनलोड करके खेल सकता हूँ। भाई किए डाउनलोड, हम सेव फाइल ट्रांसफ़र भी किए, मेरा ये वाला गेम उड़ गया था, हम ये दोबारा से नहीं खेले। हम लकी थे कि भाई हम क्विक सेव वाला बैटल करते तुम लोग को पता ही है उस कारण से कि मेरा बचा रहा समझे, इसलिए हम अभी पोर्तुगल लैंग्वेज में खेलेंगे। हम ऑफ स्क्रीन उस पर काम करेंगे, जो जो पोकेमॉन इसमें कैच किए उसको हम इसमें कैच कर लेंगे इंग्लिश वर्जन में, तुम शायद एक दो दिन में इंग्लिश वर्जन वाला ही खेलने लग जाए। तो ठीक है अभी के लिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं गेम प्ले को। यहाँ पे स्टंकी वो भी दो, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम यहाँ से रन करेंगे। हैं रन नहीं कर पाए तो मेरा इसका लेवल कम है जेम्स की फेवरेट का, चलो इसका लेवल ज़्यादा मे बी इसके तरफ से हम कर जाए। हाँ अब यहाँ पोकी बॉल है, हैवी शूज हैवी बूट्स ये क्या काम आता है भाई पता नहीं जो भी रहे। और ये बंदा देख सकता था बच के निकल गए और मे बी शायद यहाँ बैटल होगा। तो चलो एक बग कैचर देखते इसके पास कौन सा पोकेमॉन है। अरे ये तो अपना ये जेनेट का बुलाया ऑक्टाबी। चलो इसके ये भी अपना डेलफॉक्स को ही ले लेते क्योंकि भाई डेलफॉक्स फायर टाइप है और ये साइकिक प्लस बग होता है ना। हाँ टाइपिंग अच्छा है इसका लेकिन साइकिक प्लस बग। चलो इसको तो हराए, अब चलते आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बेरी ट्री है
हमको कौन सा बेरी मिला? चेरी बेरी। चलो यहाँ पे अब मे बी अपग्रेड, चलो सही है। यहाँ नीचे भी एक पत्थर है, इसको भी चेक किए, ठीक है। अरे यार ये भी बंदी बैटल करेगी, हमको ला के छोड़ देगी। चल कोई ना, इसके पास दो है और इसके पास है ग्रम्पी। मे बी ये साइकिल या फेरी में से कुछ होता है, तो अपना अगर फॉरेस्ट को ही ले आएंगे क्योंकि फॉरेस्ट में भी इसके ऊपर एडवांटेज लाए। हाँ देखो साइकिल भी होता है ये, ठीक है। तो मेरा भाई एक्स इधर इसके ऊपर सुपर डुपर इफेक्टिव दिखाया, जो कि सही था। हम लोग यहाँ से निकलते हैं और टोटेरा वाला, अच्छा हाँ हाँ, हमको लगा कि ये दोबारा से कहाँ से आ गया। एक मिनट, यहाँ भी चेक करो, यहाँ भी चेक करो, कोई आइटम नहीं। देखो हम आइटम फाइंडर यूज़ कर सकते लेकिन उसका हमको भरोसा नहीं है, जिस तरीका से वो सामने वाला आइटम को नहीं दिखाया। तो ओ रेड भाई, एक मिनट इससे बात करना चाहिए, और हमको यहाँ पे क्विक ये करना है भाई। स्क्रीन शॉट ले रहे थे थंबनेल के लिए, तुम लोग देख ही सकते हो थंबनेल में भी यही था। विनोसॉर, ठीक है यार, हम पोकेमोन चेंज कर लेते हैं, अपना डेलफॉक्स को ले आते हैं। विनोसॉर ऐसे भी मेरे ऊपर, अरे यार स्लज बॉम्ब। चल भाई बचे हैं लेफ्ट ओवर से। चल अरे पोकेमोन चेंज कर लिया इसकी माँ का, और ये ड्रैगोविश, इसके पास ड्रैगोविश भी है यहाँ पे। यार इसके ऊपर मेरा नाक, हमको वही शाई फॉक ही अटैक करना पड़ेगा क्योंकि थंडर पंच भी वैसा कुछ काम नहीं कर रहा था ना, फायर टाइप अटैक, क्योंकि ये वाटर भी तो है। थंडर पंच उस हिसाब का डैमेज नहीं दिया यार। भाई बच्चा है मेरा, क्या गंदा वाला अभी शाई फॉक। चलो इसका कम से कम ड्रैगोविश को भाई इस लेवल पे हराया ना, जिसमें कि अब बहुत गंदा वाला अपना बच जाता। खादू को ले आ रहे पिकाशू से लड़ने के लिए, क्योंकि मेरा भाई डेलफॉक्स अभी लड़ नहीं पाएगा। रॉक टॉम्ब, आयरन टेल, अरे भाई ये तो डिफेंस ही गिराता आयरन टेल यार। अपना खादू अच्छा किया कि हम खादू को ले लिए, इसका डिफेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है इसलिए बचा लिया, क्रिटिकल हिट तक कर रहा आयरन टेल से। चलो इसका पिकाशू को भी हटाए। चारिज़ार्ड में भी मेरा ये अटैक काम कर गया, प्लेयर बीट से यार हार गए बाघ। डैम यार, अब मेरे पास फाइटिंग डी को चुनने के अलावा कोई चारा नहीं बच रहा है। मे बी ड्रैगन क्लो, ड्रैगन डांस, ओ भाई ड्रैगन डांस करना। हमको लगा कि कोई ऐसा ड्रैगन टाइप मूव कर दिया कि ये मेरा फाइटिंग डी को हरा देता। ओ मैन, अब हमको देख के करना पड़े बैटल भाई। फाइटिंग डी एम भाई, तू ही एक सहारा बच रहा है भाई। उड़ी यार गया, ओ ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया, माना कि हार गया अपना फ्लेयर बीट से ही। भाई बहुत गंदा वाला बैटल हुआ अभी तो। मिथिकल पायर बस मेरा काम कर गया, तब हम अपना फॉरेस्ट को ही ले आएंगे। ओ सुपर इफेक्टिव रहा यहाँ तो। भाई बहुत गंदा वाला यहाँ बैटल हुआ है, बहुत गंदा वाला भाई, बहुत ज़्यादा डैमेज दिया यार मेरे को तो। ये दो दो पोकेमोन मेरा फेंटेड है। देखते हम यहाँ पे अभी क्या कर सकते। सबसे पहला चीज़ है हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ट्रेनर से बैटल हो गया तो गया मेरा पोकेमोन सब। यहाँ पे कौन कौन से पोकेमोन है? कार्नेवाइन, ये ठीक है, साइथर, पिंचर, अच्छा और गूमी। भाई सही पोकेमोन है, एब्जॉल भी सही है। देखो हमको या गूमी मिलता है या एब्जॉल मिलता है तो हम कैच कर लेंगे उसको, दोनों ही पोकेमोन बेस्ट है। तब भाई हमको एक चीज़ हो जाए कि यार हम किसको हटाए। अभी सबसे पहला चीज़ है यार कि हम रिवाइव का यूज़ कर लिए खादू के लिए, क्योंकि भाई पोकेमोन का देख ही सकते बहुत गंदा हालत है। डेलफॉक्स को भी यार दे देते हैं हम फ्रेश वाटर। चलो जो फाइटिंग डी को दे सकते थे, लेकिन खादू थोड़ा सा ज़्यादा उससे लेवल है, इसलिए हम खादू को देना प्रेफर किए। और अरे यार ये कहाँ से देख लिया, इतना दूर थे तब भी देख लिया बैटल के लिए। भाई बहुत तेज निगाहें इसके, अच्छा निंजास के तभी तो इसकी निगाहें इतना तेज है डेलफॉक्स, क्योंकि डेलफॉक्स के सामने इसका निंजास नहीं संभल पाएगा। चलो यार इसके ऊपर मिथिकल फायर या नहीं तो फ्लेम थ्रोर। चलो फ्लेम थ्रोर से ये गया, हो बचे। यहाँ पे भी कोई आइटम नहीं है, बेकार काम इधर आ गए। चल कोई ना, आइटम फाइंडर यूज़ कर सकते लेकिन वो सही से दिखाता नहीं, और ये बंदा भी नहीं फाइट किया तो चलो अच्छा है, हमको ला के यार फाइट कर लेगा। चल यहाँ पे भी और इधर भी है, एक मिनट, यहाँ तो नहीं कुछ वो वाला, एक मिनट हम बॉक्स देखना चाहेंगे, माने कि
चलो यहाँ तो कैल्शियम मिला, बोल्डर हम कहना चाहते थे बॉक्स कर दिए बोल्डर को, चलो इससे तो बचे। अरे यार हम आगे बढ़ रहे थे, ये हमको देख लिया, भाई ये सबका निगाहें बहुत तेज है यार, इसके पास बोल्डर है तो हम पोकेमॉन चेंज कर लेते। लेकिन यार मेरे पास वाटर टाइप मूव नहीं है यार, मेरा वाटर टाइप पोकेमॉन हो करके टैम। चल कोई ना, हम अपना फॉरेस्ट से इसको हरा देते हैं, लीफ ब्लेड अटैक बहुत सही रहेगा इसके ऊपर। चलो बोल्डर तो गया, अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ तो कुछ नहीं मिला आइटम, ये वाला बोल्डर यहाँ पे कुछ नहीं है, मे बी सर वो बैटल कर लेगी, कर लेगा जो भी लड़का है, पता नहीं ग्राफ में यहाँ तो नर्स जॉय है जो कि भाई पोकेमॉन हील करने के लिए हम सही टाइम पे आएंगे भाई। यहाँ पे मेरा पोकेमॉन का गंदा वाला लगा पड़ा था। चलो एक मिनट, यहाँ पे वो बंदी से बच गया, नहीं तो पक्का मेरे से बैटल कर सकती थी। ये हैंक है, बीड्रल, अच्छा बीड्रल नाइट ये क्या दे रहा है, अच्छा रेयर बोन के चक्कर में, यार हम रेयर बोन अपने यहाँ पीसी में रखे हुए हैं, यार पीसी में नहीं रखते तो यार हम इससे एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन मेरा एक्सचेंज करना बेफालतू हो जाता क्योंकि मेरे पास बीड्रल तो है नहीं। चल कोई ना, बाद में देखते हैं अभी हम। और वहाँ पे हम एक बेरी का ये देख रहे हैं यार, एक मिनट हमको देखना, रुको हम कैसे करके इसको ले बेरी को, हमको वापस से जाना पड़ेगा पीछे, हमको एक बार देखना है यार उसको लेने का रास्ता ना, तो पक्का बेरी ट्री को ले लेंगे यहाँ पे। अरे यार ये तो हमको ये चाहिए वॉक थ्रू वॉल्स का चीट कोड, तब जा कर के वो बेरी ले पाएंगे। चलो यहाँ से निकलते बगल से, कार्नेवाइन नहीं भाई, कार्नेवाइन तो नहीं चाहिए हमको भाई, जान दे यार। चलो अरे यार यहाँ तो रास्ता ही बंद है, बचते हुए निकलना है ये। ओ देखा लेकिन बैटल नहीं किया, चलो सही है, इस लड़की से भी बच गया। ओ ये भी देखी लेकिन बैटल नहीं किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक पोकेबॉल हमको दिख रहा है, ये क्या है, प्योर इंशेन, चलो काम ही का चीज़ दे दिया। और चलते इधर उधर, यहाँ भी बोल्डर में कुछ नहीं है, इसमें कुछ ना, मे बी शायद हम वहाँ पीछे ही वाला रास्ता देखे थे निकलने का। चलो एक बार हम इधर जाके देखना पसंद करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। चलो भाई अब हम लोग रूट 6 में आ गए भाई, ये वाला जगह मेरा थोड़ा जल्दी रूट निकल गया 5 वाला, क्योंकि वहाँ पे बैटल नहीं किया हम किसी से। ऊपर वाटर ग्राउंड होता है, टाइपिंग सही है, मिलता है तो हम उसको कैच कर सकते हैं, ऊपर एक सही टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। अरे यार ये कहाँ से देख लिया है यार, एक साइकिक, चल कोई ना, साइकिक नानी है और मे बी इसका गाड़ी वाल को तुम बैनम सोचते हैं। अरे यार साइकिक अटैक कर दिया, गई हम भाई किसको ले, फॉरेस्ट को या डेलफॉक्स, डेलफॉक्स का मेडिकल फायर भाई, डैमेज तो सही दिया यार बस क्रिटिकल हिट नहीं किया, एक और अटैक हमको करना पड़ेगा। चल भाई मिटिकल फायर से ये गया, अब यहाँ पे तो मे बी शायद ये बंदी नहीं बैटल नहीं की, चलो सही से बात करके देखे ये क्या कर रही है, हाँ कर ही लेते हैं, पता नहीं कुछ कही थी यार समझ में नहीं आया। अरे भाई अंकल जी भी, चल कोई ना, इनके पास कौन सा पोकेमॉन है, स्कॉटलैंड, चलो इसको तो हरा देंगे क्योंकि मेरा सामने ही फाइटिंग भी था, हमको याद था इसलिए। चल भाई इसके ऊपर स्काई अपर कट भाई, डैमेज दम फुल्ली देना, चल डैमेज तो दिया लेकिन क्रिटिकल हिट नहीं किया, कोई बात नहीं अभी करेगा दिस टाइम, अभी भी नहीं किया क्रिटिकल हिट लेकिन पिंड तो कर दिया, सही था। और यहाँ पे अरे यार कौन आ रहा है, अरे यार कॉम्फी, ऐसे भी कॉम्फी में भी सर अभी 2 बार आ चुकी है या 1 बार आई है, हम ध्यान नहीं दिए, गिने नहीं है। और यहाँ से किधर जाए यार, हमको समझ नहीं आ रहा हम किधर जाए, इधर भी रास्ता तो बंद है यार, मे बी हमको वापस जाके एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ से तो हम इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, मे बी शायद कुछ होगा यार, हमको देखना पड़ेगा एक मिनट। ओह ये रही कॉम्फी फिर से, चल गया जान दे। यहाँ पे से हम जा कैसे सकते, क्योंकि कैसे होगा यार, यानी कि हमको गेम यहीं सेव करना पड़ेगा क्या अब, ओह नहीं 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 नहीं
सही है सही है सही है, यानी कि ए बटन को प्रेस करके हम खाली डायरेक्शन दे करके जा सकते हैं। एक मिनट हम ऐसे नहीं यहाँ पे पार कर रहे, आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। ओ इतना लंबा रास्ता घुमा फिरा के कर रहा है यहाँ, अरे यार। ओ मिल्की, ये पोकेमोन आइसक्रीम पोकेमोन है यार, खाओगे कभी ना यार, बहुत मस्त टेस्ट लगेगा उसका भाई। ये चीज़ यार रियल में एग्जिट करती तो भाई हम तो पूरा खा जाते इसको। यहाँ पे मे भी अब हम कहते हम टाउन में आ गए क्या? एक मिनट, वो तो डे केयर है, क्योंकि देख के ही बता सकते वो बंदा बाहर है। और यहाँ पे ये प्योर इंसेन और वेब इंसेन कुछ लिख रहा है ना, क्या वो लेकर के कुछ देगी क्या? मे भी एक बार हमको देखना पड़ेगा। मेरा प्योर इंसेन अभी हमको मिला था, आ गया ये नीचे, ये नीचे, ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं। पत्थर भी चेक किए, कुछ नहीं, बाद में इसका हम देखते, रुको। यहाँ से पहले तो यार हमको निकलना है, और हमको सिट्रस बेरी मिल गया, अब पिछले बार चेरी बेरी जो कि सही है। अब मे बी, और ये बंदा भाई बैटल कर रहा है, चल कोई ना इसको भी हराते, देखते हैं यहाँ पे इस टाउन में क्या है, क्योंकि देखना पड़ेगा भाई। फॉरेस्ट को ही ले आओ, क्योंकि भाई हिपाओ हिपाओ डाउन है, तो इसके ऊपर तो भाई अपना मेरा लेजर लीफ काफ़ी ज़्यादा सही है। इसको जल्दी से पेंट करते हैं, टाउन में देखते हैं वेयर इज नर्स जॉय का पोकेमॉन सेंटर, क्योंकि पोकेमॉन को हील करवाना है हमको। एक मिनट, इधर से यार हम चढ़ नहीं सकते यार, मेरे पास रॉक क्लाइंब नहीं है, रॉक क्लाइंब रहता तो सही रहता यार। और ये यंगूज आ रहा है, डार्क टाइप पोकेमॉन होता है नॉर्मल टाइप, अरे भाई क्या यार कितना यार। हम देखो रिपेल यूज़ कर सकते थे सुपर रिपेल, लेकिन हम यहाँ पे पोकेमॉन अच्छा अच्छा देखना, हमको एक ऊपर कैच करने का था, सोचे कि घूमते फिरते में मिल जाएगी। और क्या दादी जी बैटल नहीं की, हमको एक एलिक्सर मिल गया, या एलिक्सर बोलते हैं इलेक्ट्रोलायर या जो भी कह लो इलेक्ट्रिजायर, क्योंकि हमको वो पोकेमॉन कैच करना पड़ेगा तब एलिकेट, वो मिल जाएगा ना तब हम इसको इलेक्ट्रिक वायर में बना सकते हैं। अभी के लिए तो भाई पोकेमॉन हील करवाते हैं, और तुम लोग सही में बताओगे कि गेम प्ले कैसा लगा, क्योंकि ये एपिसोड हम भाई ऑफिस में करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं दिखा देते तुम लोग को, क्योंकि अब फंसोगे कहीं आगे इधर उधर जाने में, तो फिर बोलोगे यार एपिसोड नहीं बनाया। तो इसलिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर दो अपने दोस्तों में।